बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंडिया झारखंड, एक अफसोसनाक वाक़या, लेकिन उस अफसोसनाक वाक़े को हिंदू और मुस्लिम फसादात का बाकायदा हिस्सा बनाने की एक साजिश इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों की जानिब से की जा रही है। झारखंड के एक इलाके में एक हिंदू लड़की पर एक मुसलमान लड़के ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक ये एक आम वाक़या है, जैसे आम तौर पर एक लड़का किसी लड़की को पसंद करता है और रिश्ता या शादी से इनकार के बाद इस किस्म का एक्ट माशरों के अंदर आम तौर पर देखा जाता है। लेकिन बाज़ इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें ऐसी हैं जो कि इसे लव जिहाद करार दे रही हैं, और कहा जा रहा है कि चूँकि इंडिया में एक मुहिम चल रही है लव जिहाद, तो वो इस वाक़े को लव जिहाद के पस मंज़र में देखकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ इश्तियाल फैलाने की एक साजिश रचा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अंकिता, जिसके ऊपर ये पेट्रोल छिड़का गया और उसे आग लगाई गई, मरने से पहले उसने क्या बयान दिया, लड़के के बारे में क्या बताया, लड़का कहां से ताल्लुक़ रखता था और कितने दिन से उसको तंग कर रहा था। आलमी इदारे ने एक रिपोर्ट शाया की है और इंतहा पसंद हिंदुओं का पर्दा चाक किया है कि रियल वाक़या क्या है, और जो इंतहा पसंद हिंदू हैं वहां पर उस वाक़े की आड़ में किस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक साजिश को रचा रहे हैं। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो लड़की है अंकिता, उसके वालिद का एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड का हिस्सा बना है। उसके वालिद ने क्या कहा है, तो चलिए ज़रा पहले उनके वालिद का वो बयान जो कि आलमी मीडिया ने शाये किया उस पर नज़र डालते हैं, और फिर उसके बाद इस लड़की की कहानी और उस लड़के का मौक़िफ़, और उसके बाद जो इंडियन पुलिस का मौक़िफ़ क्या है इस मामले के अंदर, उसकी जानिब बढ़ेंगे। अंकिता के वालिद का बयान है कि वो गुज़िश्ता कुछ अरसे में मेरी बेटी को परेशान कर रहा था। ये मुसलमान लड़के के बारे में कहा जा रहा है। 10-12 रोज़ कबल उसने अंकिता की किसी सहेली से उसका नंबर लिया और बार बार फ़ोन करके उसे तंग करने लगा। मेरी बेटी ने मुझे इस बारे में बताया तो पहले तो मैंने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन 22 अगस्त की शाम, यानी कि 22 अगस्त 2022 की बात कर रहे हैं हम, कि शाम उसने अंकिता से कहा कि अगर वो उससे ना मिली तो वो उसे जान से मार देगा। ये बयान इंडियन रियासत झारखंड के शहर दुमका रिहायशी संजू सिंह का है। वो अंकिता के वालिद हैं, जिसे इन्हीं के मोहल्ले के एक रिहायशी, यानी कि मुसलमान लड़का शाहरुख, जिसका नाम बताया गया है, उसने एक तरफा प्यार के नाम पर लड़की पर पेट्रोल छिड़का जब वो घर में थी, खिड़की के जरिए, और उसके बाद माचिस की तीली लगाकर उसे हलाक कर दिया। इस वाक़े के बाद जो मशरकी इंडिया है उसके मुख्तलिफ इलाक़ों में एहतजाज शुरू कर दिया गया, और इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से कहा गया कि ये एक लव जिहाद का मामला है। अंकिता, जो कि महज 19 बरस की थी, उसे रांझी के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन जहां वो जिंदा ना रह सकी और वहां पर वो इंतकाल कर गई। अंकिता के वालिद का ये कहना है कि मुझे धमकी वाली बात जब मेरी बेटी ने बताई तब तक रात हो चुकी थी। मैंने सोचा कि सुबह उस लड़के और उसके घर वालों से बात करूंगा। इसी दौरान 23 अगस्त की अलसुबह लड़के ने खिड़की के पास सोई मेरी बेटी पर पेट्रोल छिड़का और माचिस की तीली लगा दी। अंकिता इस हादसे में बुरी तरह मुतासिर हुई और हम उसकी जान ना बचा सके। अब आते हैं पुलिस की जानिब। पुलिस ने इस वाक़े में 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शाहरुख खान गुज़िश्ता कई रोज़ से अंकिता को फ़ोन करके परेशान कर रहा था। दूसरे शख्स झूठू खान को इस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उसने शाहरुख को पेट्रोल फराहम किया था। इंडिया के सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सालाना हजारों ऐसे वाकयात की पुलिस के पास शिकायत दर्ज की जाती हैं जिनमें कोई लड़का किसी लड़की को परेशान कर रहा हो। अब एक और बात कर लेते हैं, जो सबसे अहम मामला यह है कि अंकिता ने इंतकाल से, मरने से चंद लम्हात पहले इंडियन पुलिस को क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया। तो आइए, जो 23 अगस्त की सुबह अस्पताल में मकामी मीडिया और इंतजामिया के एक अहलकार की मौजूदगी में एक वीडियो बनी और अंकिता ने एक बयान जारी किया। अंकिता के मुताबिक वो बयान, अंकिता का सोशल मीडिया पर भी वायरल है। उसने बताया कि एक लड़का है जिसका नाम शाहरुख है और वो 10-15 रोज से उसे मुसलसल तंग कर रहा था। हम स्कूल जाते थे तो वो आगे पीछे आता था, मेरा नंबर किससे ले लिया, कहता था कि बात नहीं करेगी तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, सबको मार देंगे। वो बहुत सी लड़कियों से बात करता था, उन्हें घुमाता था। और एक बात जो सबसे अहम बात की उसने कहा कि उसने हमको रात 8:30 बजे धमकी दी थी और 4 बजे सुबह ऐसा करके चला गया। अब ये एक मामला है जिसमें इंडियन पुलिस ने जब तहकीकात की है तो उसे क्या पता चला है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां जो इंतहा पसंद हिंदू हैं इंडिया में, वो क्या कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल जो मीडिया है उसने रिपोर्ट किया है कि अंकिता की हलाकत के बाद मकामी हिंदू कौमपरस रहनुमा इदारे ये दावा कर रहे हैं कि ये लव जिहाद का मामला है। उनका दावा है कि शाहरुख एक हिंदू लड़की को मजहब तब्दील करने के लिए मजबूर कर रहा था। लेकिन पुलिस ने क्या बताया है? पुलिस का ये कहना है कि इस मामले का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि शाहरुख कई रोज से अंकिता को फोन करके परेशान जरूर कर रहा था। उन्होंने कहा कि हम मामले की संजीदगी का खास ख्याल रखे हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लड़के और लड़की का जो मजहब है वो मुख्तलिफ है, और जाहिर है ऐसे में भारतीय जनता पार्टी रियासत झारखंड में हिज़्ब इख्तलाफ की जमात है और वो ये दावा कर रही है कि रियासतें, हकूमत ने फौरी इकदाम नहीं किए, यानी कि हकूमत ने फौरी इकदाम नहीं किए और वो इस मामले को हिंदू मुसलमानों के फसादात की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक और अहम बात यह है कि रियासत में मकामी मुक्ति मोर्चा पार्टी की रहनुमाओं मुत्तहदा हुकूमत है, जिसका ये कहना है कि मामले की तफ्तीश की जिम्मेदारी एक सीनियर पुलिस एहलकार को सौंपी गई है। इसके अलावा अंकिता के खानदान वालों को मुआवजे के अलावा ये यकीन दहानी करवाई गई है कि इन्हें जल्द इंसाफ फराहम किया जाएगा और मुलजमान को सख्त सजा दी जाएगी। झारखंड की हाई कोर्ट की जानिब से पुलिस से रिपोर्ट तलब की गई है कि वो बताए कि अंकिता का ये जो वाकया हुआ, इसका जो पस मंजर है उसमें असल हकायक क्या हैं, ये अदालत को बताया जाए। अंकिता को पहले जिस अस्पताल ले जाया गया था, वहां के एक डॉक्टर ने बताया कि उसके जिस्म का तकरीबन 45% जो हिस्सा था वो झुलस चुका था। अपना नाम जाहिर ना करने पर उस डॉक्टर ने बताया कि अंकिता का चेहरा जलने से बच गया था, लेकिन जिस्म बुरी तरीके से झुलस चुका था और जल चुका था। लेकिन ये बात हम आपको बता दें कि इंडिया के अंदर जिस नौयत का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और वहां पर लड़कियों के साथ इस नौयत के वाकयात या रेप के नौयत के वाकयात मजहब की बुनियाद पर नहीं, बल्कि वहां आम जो सोसाइटी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब है और वहां खासकर जब भी इस नौयत का वाकया होता है तो जो इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें हैं वो इस आड़ में और इस मामले में वो कोशिश करती हैं कि वो मुसलमानों के खिलाफ एक महाज को क्रिएट करें। जाहिर है शाहरुख एक हिंदू लड़का भी हो सकता था, लड़की जो अंकिता हिंदू थी वो मुसलमान हो सकती थी, लेकिन ऐसी सूरत में इंतहा पसंद हिंदू यकीनी तौर पर अपने पहलू कोई ना कोई निकाल लेते। तो ये जो सूरत हाल है इंडिया में, ये बड़े वाकयात होते हैं। और आपको पता है पाकिस्तान के अंदर तो इस नौयत के वाक़यात किसी ज़माने में ज़रूर हुआ करते थे, लेकिन जब से तेज़ाब गर्दी या फिर पेट्रोल का इस तरह के मामला होना शुरू हुए और उस पर कानून साजी आई तो पाकिस्तान में ये वाक़यात अब उसकी बड़ी रोकथाम हुई है। लेकिन इंडिया में ये वाक़यात ऐसे हैं कि जो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लेकिन अफसोसनाक अमल यह है कि इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें ज़ाती नौयत के इस तरह के मामलात को भी मजहब को खींच कर मुसलमानों के ख़िलाफ़ महाज क्रिएट करने से बाज नहीं आते और एक ज़ाती नौयत के वाक़े को लव जिहाद के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म तहरीक के अंदर बदलने की साजिश करते हैं। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? इस केस में आगे क्या होगा? हाई कोर्ट क्या फैसला करेगी? इंडिया की जो भी तफसीलात आएंगी हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन आप क्या समझते हैं कि हकीकत में आपको क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि करंट अफेयर्स विद बिलाल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।